दिलवाला दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 पर रिलीज हुआ हिंदी रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है वह शाहरुख खान और काजोल। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस फिल्म की जो कहानी शुरू होती है ऐसे होती है कि राज मल्होत्रा जो है शाहरुख खान और सिमरन जो है काजोल, उन दोनों की फैमिली इंडियन NRI है जो लंदन में रहती है। सिमरन की फैमिली जो है बहुत ही पुराना ख्यालात की है और सिमरन के पिता है बलदेव सिंह जो है अमरीश पुरी। वहाँ पर हम देखते हैं राज की पिता है धर्मवीर जो है अनुपम खेर, और वो बहुत ही अपनी बेटी को बहुत ही खुला छूटा हुआ है और राज अपनी मांग की चलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिमरन के पिता सिमरन की शादी अपने इंडियन दोस्त अजीत की बेटे कुलजीत के साथ 20 साल पहले ही ठीक कर रखा है, बट सिमरन इस रिश्ते से ना खुश नहीं है। वो चाहती थी कि उसकी पसंद की कोई लड़के के साथ ही उसकी शादी हो, बट वो अपने पिता को कुछ नहीं कहती। शादी से पहले सिमरन अपनी सहेली के साथ एक हीरो ट्रिप पर जाना चाहती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राज के साथ सिमरन के पिता की परिचय होती है। उनकी राज सिमरन के पिता की बियर की दुकान है वहाँ पर, और दोनों में बहुत अनबन हो जाती है और बलदेव सिंह राज को अपसंद करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरो ट्रिप पर जहाँ पर सिमरन में जा रहा है और राज भी अपने दोस्तों के साथ जाती है, और ट्रिप में दोनों की राज और सिमरन की दोनों की परिचय हो जाती है। और पहले दिन से ही राज सिमरन के साथ फ्लर्ट करना चाहती है, बट सिमरन नज़रअंदाज करती है। और एक समय हम देखते हैं कि राज और सिमरन दोनों अपने दोस्तों को छूट जाती है, उसकी ट्रेन छूट जाती है, दोनों अकेले पड़ जाती है। पहले दोनों में मिलती नहीं, दोनों खूनसर्टी करती है, पर एक समय दोनों में दोस्ती हो जाती है। और ट्रिप से लौटने के बाद राज अपने पिता को सिमरन के बारे में बहुत कुछ बताती है, और राज के पिता धर्मवीर राज को कहती है कि उसको सिमरन से प्यार हो चुकी है, उसको सिमरन को जाके ये बात कह देना चाहिए। राज सिमरन की घर जाती है, वहाँ जाकर राज को पता चलती है कि सिमरन की पूरा फैमिली इंडिया पर शिफ्ट करी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिमरन की फैमिली इंडिया पर आती है और बलदेव सिंह अपने पुराने दोस्त अजीत से मिलती है, दोनों फैमिली मिलकर सिमरन और कुलजीत की शादी की प्रस्तुति लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं राज अपने पिता के साथ सलाह मशवरा करके इंडिया के लिए रवाना देती है, और यहाँ पर वो सिमरन के साथ मिलती है इंडिया पर। और हम देखते हैं कि सिमरन राज को कहती है कि उन दोनों को भाग जाना चाहिए, बट राज कहती है कि नहीं, वो सिमरन के पिता की हृदय जय करेगी और उनकी सहमति से सिमरन को लेकर लंदन जाएगी और शादी करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि राज इन दोनों फैमिली कुलजीत और सिमरन की फैमिली के साथ परिचय होती है अनजान बनकर, और कुलजीत के साथ दोस्ती कर लेती है और कुलजीत की हर रह जाती है। और हम देखते हैं कि ऐसे ही सिमरन की शादी की प्रस्तुति चल रही होती है। राज की पिता धर्मवीर भी इंडिया आती है और सिमरन के साथ मिलती है, और दोनों परिवार के साथ भी मिलती है। यहाँ पर सिमरन की माताश्री के साथ भी राज की परिचय होती है। राज उनको कहती है कि वो सिमरन के लिए भी इंडिया आया है और सिमरन से शादी करना चाहती है। एक समय बाद हम देखते हैं कि सिमरन की शादी की दिन आ जाती है और सिमरन राज को कहती है कि उन दोनों को और नहीं वेट करना चाहिए और इस जगह से चले जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि बलदेव सिंह के हाथों सिमरन और राज की एक फ़ोटो मिल जाती है जो यूरो ट्रिप में खींची थी, और इस फोटो के देखने के बाद बलदेव सिंह भी समझ जाती है कि राज यहाँ पर क्यों आई है, और वो राज को पहले से पसंद नहीं करती। ये जानने के बाद वो राज को थप्पड़ लगाती है और उसको इस घर से चले जाते कहती है। राज अपने पिता को लेकर स्टेशन पर जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि कुलजीत सिंह जब ये सब जानती है और वो राज के ऊपर बहुत ही रुष्ट हो जाती है और अपने गुंडों के साथ इसे स्टेशन जाती है, और उसके साथ राज की बहुत ही हाथापाई हो जाती है। यहाँ पर बलदेव सिंह और अजीत दोनों पहुँच जाती है और उन दोनों की हाथापाई बंद कर देती है। यहाँ पर सिमरन भी अपनी बहन और माँ के साथ आती है, बट बलदेव सिंह सिमरन को राज के साथ पास नहीं जाने देती है। बट सिमरन अपने पिता को कहती है कि वो राज के बिना रह नहीं पाएगी और छूटकर राज के पास चली जाती है। बट बलदेव सिंह भी राजी हो जाती है और वो समझ लेती है कि सिमरन की सच्ची प्यार राज ही है।
और वो उन दोनों को सहमति देती है। हम देखते हैं कि सिमरन ट्रेन पर उठ जाती है राज के साथ और ऐसे ही समाप्त होती है इस फिल्म की। धन्यवाद।